एक क्विक क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जो हमारा टेली कंसल्टेशंस है, टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, अलग अलग नामों से इनको लोग जानते हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ, आपका जो नजरिया हर एक डॉक्टर का ही है, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ओवर कंसल्टेशन एंड अंडर कंसल्टेशन ऑफ दिस टेली मेडिकेशन जो है, टेली मेडिसिन जो है, जो हम टेली कंसल्टेशन के जरिए कंसल्ट करते हैं, इसमें क्या नजरिया और क्या बैलेंस अप्रोच होना चाहिए पेशेंट का, और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहना चाहिए कि हम टेली कंसल्टेशन ले रहे हो इसमें जी, आजकल के दौर में? टेलीमेडिसिन एक बड़ी वे में एक्चुअली आ रहा है और एमसीआई ने भी इसको किसी हद तक रेगुलेट किया है। तो लेकिन जैसे आपने कहा, इसका बैलेंस मिड वे हमें इख्तियार करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेलीफोनिकली या टेलीमेडिसिन के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं। उसके लिए पेशेंट्स को अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट आने की जरूरत नहीं है। टेलीफोनिकली वो अपने डॉक्टर से राबता कायम कर सकता है और अपनी मेडिकेशंस को मैनेज कर सकता है। तो जहां पर हमें लगे कि ऐसे ही मैनेज हो जाएगा, तो टेलीमेडिसिन वहां बहुत फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेलीफोनिकली या टेलीमेडिसिन से सॉल्व नहीं होती हैं। उसमें ठीक से डायग्नोसिस भी नहीं होती है, तो हमें वहां पर ओवर यूज भी टेलीमेडिसिन का नहीं करना है। तो पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है कि वो अपने जो उनका कंसर्न डॉक्टर है उसको कॉल करें और उनसे राबता कायम करें, और फिर डॉक्टर वो डिसाइड करे कि क्या मैं इसको टेलीमेडिसिन के जरिए ही इनका मैनेजमेंट ठीक हो सकती है, या मुझे इनको बुला के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि उससे ठीक हो सकती है। इसी जमन में मैं एक चीज कहूंगा कि इस वक्त शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में हर एक सब स्पेशलिटी के लिए अलग टेलीफोनिक नंबर है। तो अगर किसी, क्योंकि रूटीन ओपीडीज बंद है, अगर किसी पेशेंट को किसी भी सब स्पेशलिटी में कुछ पूछना है तो वो जरूर फोन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर उनको आने की जरूरत है तो आए, वरना अगर अननेसेसरी विजिट तो है हॉस्पिटल अवॉइड हो जाता है तो बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ा खूब फरमाया कि टेली मेडिसिन जो है इसमें अपनी लिमिटेशंस है, कि पूरी तरीके से एग्जामिन पेशेंट नहीं हो पाता है, जाहिर सी बात है, वो लिमिटेशन के मद्देनजर मैं जैसा समझता हूँ कि इमरजेंसीज जो है वो टेली मेडिसिन के जरिए नहीं हो पाती है, और अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ है जितना अवॉइड हो सके, और टेली मेडिसिन के जरिए इसका खूब इस्तेमाल भी करे, इसके इसके जरिए से अपना इलाज भी करे, ताकि अननेसरी हॉस्पिटल में आना, क्लिनिक्स में आना अवॉइड हो सके।